ये प्रार्थना जिस घर में चेहरे उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उज्याला, वचन का सामर्थ्य नाम से आज जाकर दुख को सुख में बदलेगा, आपके शोक को आनंद बदलेगा, केवल हम उससे प्रार्थना करने वाले। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, भेंट दारा से दशमान भेजे पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान करो, जितना बीज बोते पिता उसके 100 गुना उनके तू आशीष देने। जितने भाई बहन इस वीडियो को शेयर करेंगे आज मैं उनके लिए सोमवार को प्रार्थना करके पोस्ट करूंगा। आप वचन को फैलाने वाले हो जाइए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठना समय साथ ही पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ, हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में दिन भर आशीष के लिए, घर परिवार के लिए, जो समस्याएं हैं उनके लिए, जो बीमार पड़े उनके लिए, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो घर से निकलने से पहले इस प्रार्थना को सुन के जाइए, प्रभु आपको इसमें आशीष, चंगाई, छुटकारा देगा। हम विश्वास करें कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार के लिए की जा रही है, तो कह रहा हूँ प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए, हमारे मिस्ट्री बड़बूज के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। और जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दाना दशमान भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप हम दाना भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में डिटेल मिल जाएगा, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ देखें प्रार्थना को, और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में क्लेम कीजिए। हालेलुया 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 बरी बाउलर अबरिकर अबरिक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, ते नाम की महिमा हो, ते नाम की महिमा हो, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, ते नाम की महिमा हो, ते नाम की महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, रक्तम जयम, रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ते नाम की महिमा हो, ते नाम की महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, अबरी बा उलरा बा रिकरा बा, रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता इन सारे बातों के लिए, पिता परमेश्वर रात को सुनाए दिया, एक नया दिन दिखाया, जीवित जीवित रखा, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, दिन भर कार्य में अगुवाई कर, में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं पिता इन सबको तू आशीष प्रदान कर, घर में कार्य करने में सहायता कर, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर, हर एक दुर्घटना बीमारी महामारियों से इन सबको बचाए रख पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते, सिखरा उलरा व रिकर, रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, ते नाम की महिमा हो, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। प्रभु जी जितने भाई बहन पिता परमेश्वर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं पिता जॉब के लिए, पिता उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी उनको तो जल्द से जल्द तो पिता नौकरी से ब्लेसिंग करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। जो कर्ज में फंसे हुए पिता उनके हर एक कर्ज के बंधन को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं पिता, को छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो पिता परमेश्वर समस्याएं के जीवन में कार्य कर रही, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से झिड़काते हैं, भगाते हैं, और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं पिता। जो पैसा कमाते हैं पिता उस पैसे को हम आशीष करते हैं, पैसे में फलवंत होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी इनके सैलरी पे इनके शॉप में तू ब्लेसिंग भेजने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक रुका हुआ काम तो शुरू करने जा रहा है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीजस। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो चिंताओं में इस समय पड़े हुए हैं, बहुत से हुए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता। वो चारों तरफ उनके अंधकार अंधकार नजर आ रही है पिता, उनको पिता जो रास्ते हैं वो बंद नजर आ रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता। वो चिंता करने वाली बातों को इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, वो हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से इनके जीवन से झुड़काते हैं, भगाते हैं, और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। हाँ प्रभु जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य करी, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से झुड़काते हैं, इनके हर एक बंद रास्ते को हम तेरे नाम से खोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन सब को तू आशीष प्रदान किया, चिंताओं से मुक्ति दिलाया, समस्याओं का समाधान दिया, जो बोझ से दबे थे उनको तू निकाला पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते जो बीमार पड़े हैं पिता सालों महीनों दिनों से, ओ हालेलुया, ओ धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीजस, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये
प्रार्थना, जिस घर में चेहरे पिता उस घर के चावों तसोड़ा बांधते हैं पिता, जो बीमार पड़े हैं पिता उन घरों में प्रभु जी उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी इस प्रार्थना को देखते हैं वो इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता। बीमारियाँ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती मेरे पियो। जिस परमेश्वर अंधे को आँख दी, अलग चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके बीच में भी कार्य करता है, वही बीच में वो आपके बीच में है, वो आपको चंगाई देने में सामर्थ्य है। विश्वास के साथ उससे अपनी चंगाई को प्राप्त कर लीजिए। घुटनों पर टेक कर आंसुओं के सड़गड़ाते हुए सच्चाई ईमानदारी के साथ उससे प्रार्थना कीजिए। बीमार पड़े हैं आप जिस तरह से प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस तरह से प्रार्थना करने में सक्षम है उस तरह से आप प्रार्थना कीजिए। घुटनों पर आ सकते हैं आकर प्रार्थना कीजिए, बैठ कर प्रार्थना कीजिए, लेट कर, लेकिन सच्चे दिल से हृदय की गहराई से उसके सामने आइए। अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए जो जीवन भर में आपने किए हैं। उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता से उकार कीजिए। उसके वचनों पर चलने के लिए उससे मदद कीजिए और विश्वास कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह को मरे में जिलाया तब निश्चित ही आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार को प्राप्त करेंगे। केवल सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ उस पर उसके सामने आइए, उस पर भरोसा रखिए और विश्वास कीजिए। लहू जो मेरे खातिर बहाया गया उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे पियो। बीमारियां चाहे बड़ी हो चाहे पुरानी हो चाहे नई हो उस सबको भी चंगाई देने में सामर्थ्य है वो हमारा परमेश्वर है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, हल्लेलुया हल्लेलुया, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, तेनाम की महिमा हो, तेनाम की महिमा हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी ये प्रार्थना जिस घर में चेहरे पिता उस जगह में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, जो बीमार पड़े हों सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हर बीमारियों को हम जला के शून्य करते हैं, उनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े तेरे नाम से सिगड़ी चंगे होने पाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा उनके हाथों उनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आज प्रभु जी इन सबको चंगाई प्रदान किया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं, बुरी आत्माओं, अंधकार की आत्माओं में फंसे हुए हैं, हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चेहरे पिता उस जगम त्रिनाम की महा प्रकट होने पाए, उस घर से पिता हर दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, अंधे की आत्मा ईश्वर के नाम में प्रार्थना को सुनते चलते वहां से निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चेहरे उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वो ज्याला, वचन का सामर्थ्य नाम से आज जा पिता तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्य यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जिनके पिता मन में अशांति की आत्माएं कार्य कर रही है पिता, उनके घरों में अशांति फैली हुई है पिता परमेश्वर, उस घर में लड़ाई झगड़े में कार्य कर रही है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता उस घरों के उन व्यक्तियों के लिए पिता, उनके हृदय पिता वचन की शांति आ जाए पिता, जो अंत काल तक वाली है प्रभु जी। मैं पियो वचन को अध्ययन कीजिए, आप चाहे कितने भी दुख में पड़े हुए, निराशा में पड़े हुए, सुख में डूबे हुए, ये वचन आपको उससे निकाल कर आपको आनंद दे, आपके दुख को सुख में बदलेगा, आपके शोक को आनंद बदलेगा। केवल हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, जब वचन पढ़ेंगे हमारे अंदर आनंद की भरपूरी आ जाएगी। प्रभु जी इनके शोक को दूर करके तो आनंद बदला पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो विदेश में रह कार्य करते हैं और जहां भी रह कार्य करते, नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं वो से घड़ी तेरे नाम से चंगे होने पाए। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से इनके जीवन से हम छुड़काते हैं, भगाते हैं और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो जॉब की समस्याएं हैं वो तेरे नाम से इसी घड़ी दूर होने पाए पिता, इनके हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू जीजस, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आग बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, भेंट दारा से दशमांश भेजे पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान करो। जितना बीज बोते हैं पिता उसके 100 गुना उनके तू आशीष देने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं। इनके घर में जो समस्याएं हैं वो तेरे नाम से इसी घड़ी दूर होने पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से झुटकाते हैं, भगाते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनके सैलरी पे, इनके बिजनेस पे, इनके दुकान पे पिता, इनके बिजनेस पे हम तेरे नाम से ब्लेसिंग भेजते हैं पिता, हम मिरेकल भेजते हैं पिता, हम बरकत भेजते हैं पिता। इन सब को तू आशीष भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो कर्ज में डूबे हुए हैं उन सबको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। दिमाग कार्य मगवाई करने में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं इन सबको तू आशीष प्रदान कर, हर दूर बीमारी महामारियों से इन सबको बचाए रख। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश देशा प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से हम आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं।
तो ने सही किया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। सरा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझ अर्पित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों चढ़ाते, प्रार्थना सुमत धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर आशीष ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो वीडियो को विश्वास के साथ देखिए, जब हम विश्वास के साथ देखते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। बाइबल कहती है विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। यीशु मसीह के पास ऐसे बहुत से लोग आए और यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया है, यानी कि जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे हमारे लिए कार्य होगा। तो हम प्रभु के वचनों पे उस पे हम विश्वास करने वाले हो जाए, और जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए हर एक बंद रास्ते खुल जाती है, हर एक बीमारियां हमारे शरीर से हमारे जीवन से छोड़कर चली जाती है। हम उससे प्रार्थना करें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने पापों का अंगीकार करके उसके सामने आए। बहुत से भाई बहन कहते हैं पास्टर जी मैं सालों से दो सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ कर रही हूँ, लेकिन प्रार्थना का उत्तर मुझको क्यों नहीं मिल रहा है। अपने आप को जांचिए कि आपको किस कारणवश आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। उन बातों को अपने जीवन से अलग कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कितनी बार होती है कि हमारा जो पाप होता है वो हमें प्रार्थना से वंचित कर देता है, प्रार्थना का उत्तर मिलने से वंचित हो कर देता है। हम कितने बार हम प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं, हम प्रभु की आवाज़ को हम नहीं सुनते, यानी कि कहने का अर्थ है कि हम प्रभु की इच्छा कुछ और है और आप अपनी इच्छा कुछ और कर रहे हैं, इस कारणवश आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। मैं अक्सर कहता हूँ जब भी आप प्रार्थना करते हैं अपनी प्रार्थना के लास्ट में शामिल कीजिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा जो हो वो मेरे जीवन में और मेरे घर में पूरी हो, ताकि मेरा जीवन मेरा घराना आशीषों से भरपूर हो जाए। तो जब हम प्रभु की इच्छा को मांगते हैं तो प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करता है। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जितने भाई बहन वीडियो को शेयर करते हैं उन सभी के लिए हम हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। और आज जितने भाई बहन इस वीडियो को शेयर करेंगे आज मैं उनके लिए सोमवार को प्रार्थना करके पोस्ट करूंगा। आप वचन को फैलाने वाले हो जाइए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। अपने सभी मसीह ग्रुप, फेस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर कीजिए, सोमवार को आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।